इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र स्थित मराठा गैंग से जुड़े दो युवक विक्की और दीपक नामक गुर्गे व्यापारी से 10,000 की मांग करने पहुंचे थे। पैसे नहीं देने पर रोहित मराठा नामक बदमाश से बात करने की बात कही थी। व्यापारी द्वारा साहस दिखाते हुए बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मराठा गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। हाँ, ये एक अभी फरियादी शाकिर ने थाना चंदन नगर में रिपोर्ट की कि दो आरोपी हैं, एक विक्की और दूसरा अपना दीपक। इनके द्वारा कुछ 10,000 रुपए के व्यापारी को धमकाया गया कि ये 10,000 रुपए की अवैध जो है एक्सटॉर्शन रिपोर्ट आई है, और इन्होंने बताया, कुछ धमकाने की कोशिश की कि रोहित मराठा से बात कराएं क्या, अगर पैसे नहीं देते हो तो रोहित मराठा से बात कराएं, और इस तरह से उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धमकी दी। उस पर से 327 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को